की दूसरी लहर में कमी के साथ अगले 6 से 8 हफ्ते में इसकी तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने भी चिंता बढ़ा दी है। AY.1 वेरिएंट नाम से जाने जा रहे इस वेरिएंट के 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ डेल्टा प्लस के 21 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग का फैसला किया है और हर जिले से 100 नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं केरल में कम से कम 3 मामले पाए गए हैं, जिनमें एक 4 साल का बच्चा है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला भोपाल में एक 65 वर्षीय महिला में दर्ज किया गया था। अब इस वेरिएंट को लेकर रिपोर्ट आई है कि ये वेरिएंट वैक्सीन और एंटीबॉडी को बेअसर कर देगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन लेने से शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेअसर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं तो आप में एंटीबॉडी बनी है, वो भी इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं रह सकती। यानी अगर आपने वैक्सीन ले ली है और आप में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी भी बन गई है, तो भी आप इस नए वेरिएंट को लेकर सुरक्षित नहीं है। वायरस कोई भी हो, वो हमेशा अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये बदलाव ही जाकर वायरस को नए स्वरूप देता है, जिसे वेरिएंट कहा जाता है। जैसे हम वायरस को खत्म करना चाहते हैं, वो अपना रूप बदलकर फिर आता है। वायरस अपने में ऐसे बदलाव करता रहता है जो वैक्सीन या दवा दी जा रही है उससे बच सके। डेल्टा प्लस में मौजूद K417N म्यूटेशन की वजह से दवाओं के असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हुए टेस्ट बताते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव तो है, पर जब उन्हें डेल्टा जैसे वेरिएंट के खिलाफ जांचा गया तो वो कुछ ही एंटीबॉडी बनाने में सफल रहे। चिंता ये है कि डेल्टा वेरिएंट के नए रूप सामने आ चुके हैं। भारत समेत कई देशों में प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है। आगे चलकर भारत में ये महामारी के प्रबंधन में चुनौती बन सकता है। खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और एम्स का दावा राहत देने वाला है। रिसर्च के मुताबिक अगर कोरोना की तीसरी लहर आई भी तो इसका बच्चों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एम्स ने WHO के साथ मिलकर यही जानने की कोशिश की थी। पहली बार सीरो सर्वे में बच्चों को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज्यादा है और अगर तीसरी लहर आती है तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है तब ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों में भी उतना ही खतरा है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण दर बहुत ज्यादा पाई गई है। बड़ों और बच्चों में संक्रमण दर लगभग बराबर रही है। इस सर्वे के लिए 5 राज्यों से 10,000 सैंपल लिए गए थे। सर्वे में कुल 4,509 लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें 3,809 एडल्ट और 700 बच्चे थे। बुजुर्गों में पॉजिटिविटी दर 63.5% दर्ज की गई और बच्चों में ये 55.7% पाई गई। इस स्टडी के अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक एडल्टों में और बच्चों में संक्रमण बराबर हुआ है। स्टडी में दावा किया गया है कि आंकड़ों के हिसाब से जितना बड़ों में संक्रमण पाया गया, लगभग उतना ही बच्चों में भी पाया गया। अध्ययन के नतीजों के मुताबिक शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर कम पाई गई है। इससे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह चुके हैं कि अभी ऐसे सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा।
Thank you.